हरियाणा रोडवेज में हिसार डिपो के टीएम पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित ने पुलिस पर कोई ठोस कार्रवाई ना करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत दी है। हरियाणा रोडवेज में हिसार डिपो के टीएम पर निजी बस ऑपरेटर सर्विस के मैनेजर ने बंधक बनाकर मारपीट करने, पगड़ी उछालने और दाढ़ी नोचने के आरोप लगाए। आपको बता दें कि हिसार डिपो के टीएम सुखदेव सिंह पर निजी बस ऑपरेटर कृष्णा बस सर्विस के मैनेजर कुलवंत सिंह ने ये आरोप लगाए हैं। इस संबंध में कुलवंत सिंह ने पुलिस चौकी बस स्टैंड में मंगलवार को शिकायत दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर वह समाज के लोगों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां डीएसपी से मुलाकात करके उन्होंने अपनी शिकायत दी और टीएम सुखदेव सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं दूसरी तरफ टीएम सुखदेव सिंह ने इस पूरे मामले को दबाव की राजनीति करार दिया है। मामले के अनुसार कृष्णा बस सर्विस की तरफ से हिसार से दिल्ली की बसें चलाई जाती हैं। इस निजी बस ऑपरेटर के मैनेजर कुलवंत सिंह ने आरोप लगाए कि हिसार डिपो के टीएम सुखदेव सिंह उनसे बस स्टैंड के अंदर बसें लगवाने को लेकर रिश्वत की मांग करते हैं। उनकी बसों को बस स्टैंड के अंदर नहीं लगने दिया जाता, जबकि अन्य निजी ऑपरेटर्स की बसें अड्डे के अंदर खड़ी रहती हैं। अड्डे पर एसएस के कार्यालय में उन्हें बुलाकर डिपो के टीएम, उनके चालक और दो अन्यों ने उनके साथ मारपीट की व मोबाइल छीन लिया। क्या मामला था? मैं टीएम ने मुझको धोखे से ना, मैंने उनके खिलाफ सीए विंडो पे शिकायत लगाई। किस चीज के खिलाफ? ये रिश्वत के खिलाफ मांगा। कृष्णा बस का मैनेजर कुलवंत सिंह, कल मेरे को उन्होंने धोखे से बुलाया वहाँ पे एसएसपी ऑफिस में और मारपीट की। तो फिर क्या हुआ आपके साथ वहाँ पर, पूरा मामला बता दीजिएगा। उन्होंने मारपीट की, पगड़ी उछाल ली, उन्होंने मेरी गालियाँ निकाली, मेरे को गंदी गंदी। उसके बाद मैं वहाँ से बच के निकल के चौकी में जाके वहाँ पर। तो आज आप यहाँ किसको कंप्लेंट देने आए हैं? एसपी साहब के सब पास आए थे, वो मिले नहीं तो डीएसपी साहब को। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? कह रहे थे पूरी कार्रवाई करवाएंगे। ठीक सर। देखो जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन आरोपों का तो मेरे को पता ही नहीं, अभी आप बता रहे हो। दूसरा जो है ना, कृष्णा बस सर्विस ये इलीगल बस चला रहे हैं और काफ़ी दिनों से चला रहे हैं, पूरे लॉकडाउन के दौरान भी चलाए हैं, जबकि सब कुछ जब बंद था तब भी। उसके बाद हमने जो है, हमारे प्रधान सचिव या निदेशक महोदय द्वारा हमें लिखित में दिया गया है कि जब सवारी यहाँ पे दिल्ली के डायरेक्ट पूरी हो तो आप नॉन स्टॉप दिल्ली बस भेज सकते हैं, तो उसका हम पालन कर रहे हैं जी। और उसमें हम सवारियों को, जनहित को अपना जो है सर्विस भी दे रहे हैं और उसमें हमारा रेवेन्यू भी अच्छा आ रहा है, जिसकी वजह से ये कृष्णा बस सर्विस इफेक्टिव हुई है। क्योंकि ये लोग जो है ना, यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली की सवारी भरते थे, तो इसलिए इनका हो सकता है ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी हम मतलब इनकी दिल्ली की डायरेक्ट बसें बंद करवा दें, जबकि हमारे पास ये आदेश लिखित में आए हैं। तो क्या अभी प्राइवेट जो बसें हैं, जो निजी संचालकों की बसें, वो तो डायरेक्ट दिल्ली नहीं जा सकती? नहीं, दिल्ली डायरेक्ट वो पहले भी लेके जा रहे हैं, ये इसके लिए तो सेक्रेटरी आरटीए से आपको बात करनी पड़ेगी। नहीं, आदेश क्या आपके पास? हमारे पास तो यहाँ से लगने के आदेश है, 8 मिनट की सर्विस है, वो भी लगता है और रोडवेज की बसें भी लगती हैं काउंटर से। तो वो जो आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारी लगने नहीं दी जाती बस, ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम टेबल है बकायदा, आप यहाँ पे खड़े होकर देख सकते हैं। और एसएस के ऑफिस में बुलाकर मारपीट करने के आरोप भी वो लगा रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल निराधार आरोप है वो, मैं उसकी बात करूंगा अभी, मैंने इनसे बात करनी है जो चौकी इंचार्ज है यहाँ पे, कि ऐसे तो कोई भी आरोप लगा के और बंद करवाने की कोशिश करेगा, ऐसे आरोप लगाने से तो उसके गलत आरोप है, मतलब टोटली है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.